अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, योर टॉपिक्स आर टॉपिक ऑफ इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज आर यूज ऑफ दिस एंड दिस, वेजिटेबल नेम्स कॉम्प्रीहेंशन एंड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ओके सो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले जो है वो यूज़ ऑफ दिस एंड दिस करेंगे, जिसके अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपने दिस कहाँ पे यूज़ करना है और दिस कहाँ पे यूज़ करना है। अब आपको साइड पे जो पिक नज़र आ रही है उसके अंदर देखें कि एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल। आपको जब एक यहाँ पर है, फर्स्ट है दिस इज़ एन एप्पल। जब आपके पास एक एप्पल है तो आपने दिस यूज़ किया क्योंकि एक चीज़ है, ठीक है। अब नीचे है प्लूरल में दीज आर एप्पल्स, जब एप्पल्स ज़्यादा हो गए तो हमने दीज यूज़ किया, ठीक है। आपने इसी तरह से अब फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट देखें फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस एंड दीज। फर्स्ट है डैश इज अ बैट, अ बैट एक ही है तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दिस। उसके बाद है नेक्स्ट डैश आर गर्ल्स, अब गर्ल्स ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दीज। और नेक्स्ट अब देखें डैश आर डॉग्स, डॉग्स ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दीज। इसी तरह नेक्स्ट के अंदर दिस इज़ अ बॉय, उसके बाद नेक्स्ट के अंदर क्या यूज़ होगा, दिस इज़ अ फैन, फैन एक ही है तो इसलिए आप यूज़ करेंगे दिस। डैश इज़ आर ट्री, ट्री एक ही है तो दिस। उसके बाद दीज आर डॉल्स एंड दीज आर मैंस। ओके ओके नेक्स्ट है आपके वेजिटेबल नेम्स। सबसे पहला है आपका अनियन, ओ एन आई ओ एन, अनियन। उसके बाद है आपका टमेटो, टी ओ एम ए टी ओ। उसके बाद आपका है लेमन, एल ई एम ओ एन, लेमन। उसके बाद है आपका ब्रिंजल, पी आर आई एन जे ए एल, ब्रिंजल। उसके बाद है आपका पोटैटो, पी ओ टी ए टी ओ। और नेक्स्ट है आपका गार्लिक, जी ए आर एल आई सी, गार्लिक। और उसके बाद है आपका पीस, पी ए पी ई ए एस, पीस। अब जो साइड पे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी वेजिटेबल नेम्स हैं, आपने उन्हीं को ही वर्कबुक पे साइड पे लिखना है, ठीक है। और साइड पे जितने भी पिक्स बनी हुई है उसके अंदर आप कलर करेंगे। ओके ओके नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रीहेंशन, अ पपी एंड अ किटन। सो इसको स्टार्ट करते हैं। साइड पे देखें आपको पिक नज़र आ रही है, पपी की भी नज़र आ रही है और किटन की भी नज़र आ रही है। अलीज़ फैमिली जस्ट अडॉप्ट अ पपी एंड अ किटन फ्रॉम द एनिमल शेल्टर। अली की जो फैमिली थी उसने एक कुत्ते के बच्चे को और एक बिल्ली के बच्चे को एनिमल शेल्टर से अडॉप्ट किया। दे वर सो यंग दे डिड नॉट इवन हैव नेम्स येट, वो इतने छोटे थे कि उनका अभी तक उन्होंने कोई नाम नहीं रखा था। अली हैड टू थिंक ऑफ गुड नेम्स फॉर दैम, अली ने सोचा कि हम इसके कोई अच्छे नाम रखते हैं। द पप्पी लाइक टू जम्प अप, जो कुत्ते का बच्चा था उसको उछलने का बहुत शौक था। द किटन लाइक्स टू कर्ल अप इन देयर लैप, जो बिल्ली का बच्चा था उसको गोद में लेटने का बहुत शौक था। वट डू यू वॉन्ट टू नेम दैम, आप इनका क्या नेम रखना चाहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा उसके हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आपने आंसर करने होंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट एनिमल्स डिड अलीज फादर अलीज फैमिली अडॉप्ट, अली की जो फैमिली थी उसने कौन कौन से जानवरों को अडॉप्ट किया था, पप्पी एंड अ किटन। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, व्हाट डज द पप्पी लाइक टू डू, पप्पी को क्या पसंद था करना। द पप्पी लाइक टू जम्प अप, पप्पी को उछलना पसंद था। फ्रॉम वेयर दे अडोप्टेड एनिमल्स, एनिमल्स उन्होंने कहाँ से अडोप्ट किए थे, एनिमल शेल्टर से। अब यहाँ पे नीचे की लिखेंगे आप फ्रॉम द एनिमल शेल्टर। और नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू वांट टू नेम दैम, आप इनका नेम जो भी अपनी मर्जी से रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेक्स एंड मानो रखा है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उसके बाद आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स। तो स्टूडेंट्स, जेंडर्स होते हैं आपके पास दो तरह के, एक होते हैं आपके मेल, एक होते हैं फीमेल्स। जितने भी मेल होते हैं उसको आप मैस्कुलिन के अंदर लिखते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर आप फेमिनिन के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके जो ग्रैंडफादर जैसे हो गए, फादर हो गया, सन हो गया, वो सारे के सारे जितने भी होंगे वो आपके मैस्कुलिन के अंदर आ जाएंगे। और जैसे आपके ग्रैंड मदर हैं, मदर हैं, डॉटर हैं, जितने भी फीमेल्स मेम्बर्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, फेमिनिन के अंदर, ठीक है। जो ही कैटेगरी होती है वो आपकी मैस्कुलिन होती है और जो शी होती है वो होती है फेमिनिन के अंदर। अब यहाँ पर फर्स्ट है आपका डॉक्टर, डॉक्टर का फेमिनिन क्या होगा, लेडी डॉक्टर। उसके बाद फादर का क्या होगा, मदर। ब्रदर का क्या होगा, सिस्टर। एक्टर का होगा एक्ट्रेस।
बुल का होगा काओ, मैन का होगा वोमेन, हीरो का होगा हीरोइन, और किंग का होगा क्वीन, मिल्क मैन का होगा मिल्क वोमेन, और उसके बाद पोइट का क्या होगा आपका, पोइटेस। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपने इन सब चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को याद करना है। ओके, और उसके बाद अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।